नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैट लॉस कैप्सूल्स के बारे में। अगेन ये काफ़ी फनी है बिकॉज हमें जितनी क्वेरीज डाइट पे नहीं आती, एक्सरसाइज पे नहीं आती, उतने फैट लॉस कैप्सूल्स पे आती है कि यार काम करता है कि नहीं करता है। तो लीजिए हम लोग हाजिर हैं आज के इस वीडियो में, हम डिस्कस करने वाले हैं फैट लॉस कैप्सूल्स के बारे में। पहले भी हमने इस चैनल पे फैट लॉस कैप्सूल्स पे 2-3 काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस डाले हैं जो कि आप उसको बाद में देख सकते हैं। इसे देखने के बाद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए इस तरह का कॉन्टेंट ना आप तक लाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और आप हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं काफी सिंपल तरीकों से। वो तरीका है हमारे वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड हमारे वीडियोस को मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ शेयर करके। सो कंसिडरिंग कि आपने ऑलरेडी चीजें कर ली हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट आर फैट लॉस कैप्सूल्स? सबसे पहले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर कंपनी किस तरीके से अपने फैट लॉस सप्लीमेंट्स को प्रमोट करती है मार्केट में। उनका सिंपल सा फंडा होता है कि हमारा फैट लॉस सप्लीमेंट आपकी बॉडी में जाके आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, हमें नहीं पता कैसे लेकिन वो करेगा, सम हाउ एनी हाउ वो काम वो कर लेगा जिस कारण से आपका फैट लॉस प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। नाउ क्या क्लेम के हिसाब से वो काम करते भी हैं या फिर दीज आर जस्ट क्लेम्स? समझते हैं। सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज डू फैट लॉस कैप्सूल्स वर्क? नाउ अगेन ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आप कौन सा फैट लॉस सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, विच ब्रांड इज इट। तीसरी चीज ये भी है कि आखिर आपका डाइट कैसा चल रहा है, बिकॉज अगर आपकी डाइट आपके लाइफस्टाइल ऑन ट्रैक नहीं है एंड आप केवल केवल इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप रैंडमली मार्केट से कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट उठा के लेकर आएंगे, उसे कंज्यूम करेंगे एंड आपका फैट लॉस हो जाएगा, सो दैट्स नॉट हाउ इट गोज। नाउ तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच आर दोज सप्लीमेंट्स और विच आर दोज फैट लॉस सप्लीमेंट्स और इन्ग्रीडियंट्स विच एक्चुअली वर्क। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स फैट लॉस सप्लीमेंट्स में आपने ऑलरेडी नाम सुने होंगे जैसे कि गार्सिनिया कम्बोजिया, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। इन नाम से जो फैट लॉस सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप अपने आप को इन सप्लीमेंट्स से दूर रखिए। बिकॉज आई थिंक इस चैनल पे हमने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पे हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गार्सिनिया कम्बोजिया, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से कवर किया है विद द प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उस पर जा सकते हैं एंड देन यू विल बी हैविंग अ मच बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग दोज इंग्रेडिएंट्स। सो हैविंग सेड दैट, व्हिचएवर सप्लीमेंट्स में आपको गार्सिनिया कम्बोजिया एंड वैसे कुछ 2-3-4 नाम काफ़ी मिलते जुलते नाम आपको सुनाई देंगे, जस्ट रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम बाइंग दोज टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स। नाउ कौन से काम करते हैं? सो देखिए मार्केट में ना बहुत से ऐसे लिमिटेड फैट लॉस सप्लीमेंट्स हैं या फिर फैट लॉस इंग्रेडिएंट्स, लेट्स नॉट से मार्केट बट द इंग्रेडिएंट्स ओवरऑल, ऐसे काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो काम करते हैं जैसे कि कैफीन। नाउ कैफीन को अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिशन प्लान के साथ कंबाइन करेंगे सो इट माइट एलिवेट योर मेटाबॉलिज्म एंड कैन ऑल्सो आपके जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं, वहाँ से ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज कराने में कैफीन थोड़ा सा हेल्प करता है, हालांकि वहां पे न्यूट्रिशन का एंगल काफी बड़ा है। तो यस कैफीन डज हेल्प। सेकंड इंग्रेडिएंट वुड बी और लेट्स से सेकंड सप्लीमेंट वुड बी जो सेम नाम से आता है विच इज योहिम बीन। सो नाउ योहिम बीन इज अनदर अ वेरी गुड सप्लीमेंट। अगेन योहिम बीन हम बहुत लोगों को रेकमेंड नहीं भी करते बिकॉज उसके कभी कभी एडवर्स साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हार्ट बीट पंप हो जाते हैं, पाल्पिटेशन होने लगते हैं, सो देयरफॉर वी डोंट रेकमेंड दैट। तीसरा इंग्रेडिएंट्स विच यू कैन ट्रस्ट ऑन इज बेसिकली एसिटाइल एल-कार्निटिन। सो नाउ कार्निटिन बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में ही बनता है एंड एसिटाइल एल-कार्निटिन बेसिकली कार्निटिन का सबसे मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म है, विच मीन्स की बॉडी इसको एब्जॉर्ब काफ़ी अच्छे से करती है। तो तीसरा ये इंग्रेडिएंट है। सो यस एसिटाइल एल-कार्निटिन, कैफीन एंड योहिम बीन, दीज थ्री सप्लीमेंट्स एज पर माई ओपिनियन, दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स विच यू कैन से किसी भी सप्लीमेंट में अगर इन तीनों में से किसी भी एक का यूज हुआ है या दो या तीनों का यूज हुआ है, यू कैन गो फॉर इट। बट अगेन किसी भी सप्लीमेंट को चूज करने से पहले, बीट फैट लॉस, वे प्रोटीन या एनीथिंग एल्स, ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट विद योर डाइटिशियन फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि चलिए मान लीजिए कि हमने मार्केट से लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल
कार्निटिन का सप्लीमेंट ले लिया, एसिटाइल एल कार्निटिन, तो क्या अब हम अगर एसिटाइल एल कार्निटिन का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें तो क्या हमारा फैट लॉस चालू हो जाएगा? No, that's not the case. Because as I have already mentioned in the very beginning of this video, कि आप कोई भी fat loss capsule या कोई भी supplement लीजिए, वो तभी काम करता है if your diet is on track. So similarly, इस केस में भी आपके डाइट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन आपके डाइट में अगर कम हैं, तो फिर उस केस में आपको फैट लॉस उस रेट पे देखने को नहीं मिलेगा, या फिर देखने को मिलेगा ही नहीं, आपका पैसे बर्बाद होंगे. सो देयरफॉर वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, सो ऑलवेज गो ऑन अ लो कार्ब डाइट. लो कार्ब डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, कंपैरेटिवली प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स थोड़े से ज़्यादा रहेंगे. सो उस डाइट पे आपको वैसे भी फैट लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब वहाँ पे फैट लॉस कैप्सूल या सप्लीमेंट ऐड करते हैं, तो फिर वहाँ पे यू माइट सी द एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट वुड बी द रिकमेंडेड डोसेज? सी, डोजेज एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनका ओवरऑल साइज कितना है, उन्होंने पास्ट में कौन कौन से फैट लॉस सप्लीमेंट यूज किए हैं, एंड एट दैट वेरी मोमेंट उनका डाइट कैसा चल रहा है. टू बिगिन विथ, हम लोग हमेशा टू बी ऑन अ सेफर नोट एक कैप्सूल से रिकमेंड करते हैं कि यू कैन स्टार्ट विथ वन कैप्सूल अ डे बिफोर टू बिगिन द डे. तो फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करने से पहले एक कैप्सूल आप ले सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर योर रेगुलर वर्कआउट एंड एवरीथिंग. नाउ किन लोगों को इन सप्लीमेंट से दूरी बना के रखनी है? सो फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम सच एज डायबिटीज, हाइपोथायराइड, हाइपरटेंशन, PCOS, इनको हम रेकमेंड करते हैं कि आप फैट लॉस सप्लीमेंट से दूरी बना के रखिए, बिकॉज दे टेंड टू एलिवेट योर हार्ट बीट. ठीक है, कभी कभी ब्लड प्रेशर भी आपका हाई हो जाता है, नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ डिजीज है तो फिर इट कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स. तो इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी सच डिजीज, प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग दीज फैट लॉस सप्लीमेंट्स. नाउ डोजेज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, स्टिल इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि ऑलवेज कंसल्ट योर डाइटिशियन फर्स्ट बिफोर यू बिगिन विद एनी ऑफ दिस गिवन सप्लीमेंट. बिकॉज हमने मार्केट में ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को कोई ऐसा सप्लीमेंट है जिससे कि सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो दोज आर फैट लॉस सप्लीमेंट्स. बिकॉज पीपल के पास ना वो नॉलेज नहीं है कि इस सप्लीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो मेरे लिए पोटेंशियल हो सकते हैं या मेरे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ब्रांड्स कौन से अच्छे हैं, सेलर्स कौन से हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. वो बस रैंडम किसी फिटनेस यूट्यूबर की प्रमोशन में आके उनका वीडियो देखते हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भैया ये खरीद लो रैंडमली, एक गोली लोगे 5 किलो कम हो जाएगा, एंड उस इन्फ्लुएंस में आके वो परचेज कर लेते हैं. तो मार्केट में ना अवेयरनेस से लोग परचेज नहीं करते, इन्फ्लुएंस से आके परचेज करते हैं. ये एक बहुत बड़ी समस्या है. बट खैर, तो इस वीडियो का जो सारांश जो मैंने आपको समझा दिया कि फैट लॉस सप्लीमेंट काम करता है, बट ओनली देर आर अ सेलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स और द सप्लीमेंट्स विच डू वर्क, एंड वो भी तभी काम करेगा अगर आप एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, एंड टू बी प्रिसाइज इट्स अ लो कार्ब डाइट प्लान. सो दिस इज हाउ इट गोज. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड.